25 दिन में 23 मौत की खबर गांव घासेड़ा की इस वक्त सोशल मीडिया में चर्चाओं में है। आखिरकार उस खबर में कितना सच है और आखिरकार सच्चाई क्या है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि जुकाम खांसी इत्यादि से घुटने से जो कि है वो मृत्यु हुई है। और आपको अब लेकर के चलते हैं गांव घासेड़ा के सरपंच के पास, आखिरकार गांव की स्थिति क्या है, गांव का वास्तविक सच क्या है। मैं हर इंसान को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। भारत टीवी आप देख रहे हैं, देव मेरा नाम है। लगातार मेरी कोशिश है कि खित्ते में बात की हर खबर मैं आप तक पहुंचाऊं। अगर आप थोड़े से भी अपडेट रहे हैं तो गांव घासेड़ा जो कि ऐतिहासिक है, मेवात की एक अलग और ख़ास पहचान रखता है। ईद के दिन भी यहां पर कई जनाजे उठे और लोग गमगीन थे और कई मौतें यहां पर लगातार गांव के अंदर हुई हैं। आखिरकार कई सारे सवाल थे, कोई कोरोना को लेकर के बात कर रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन इन सारे सवालों का जवाब आखिरकार हम कैसे दे सकते थे। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आज हमारे साथ गाँव के सरपंच अशरफ जी हैं। सीधे चलते हैं उनके पास कि आखिरकार सच क्या। जी बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका, ये किस तरीके से देखते हैं सर जी, कई मौतें हुई, ये मौतें जो है रमजान के महीने में तकरीबन मौतें हुई है लगातार जी। ये तो नहीं कह सकते कि हम वो कोरोना से हुई है, लेकिन मौतें हुई है, गमगीन थे लोग, इससे परेशान थे। अच्छा। और हम ये चाहते हैं, सब लोगों से ये अपील करते हैं, अगर संयम से काम लें, हिम्मत रखें। अच्छा। और सब प्रशासन का भी सहयोग करें, आसपास के लोगों को भी। हम लगभग अभी कितनी मौतें हो चुकी होंगी, क्योंकि ईद के दिन तो खासी कई मौतें, ईद के दिन 24 घंटे के अंदर 5 मौतें हुई। अच्छा। 4 मौतें तो बीमारी से ही हुई है। अच्छा। किस बीमारी से हुई है नहीं कह सकते, और एक बिजली ने पकड़ा था एक बंदा। अच्छा। तो 24 घंटे के अंदर 5 मौतें ईद के दिन हुई, दुखद मामला है उसे। एकदम बिल्कुल गाँव में बड़ा शोक की लहर। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कभी दौरा किया, स्वास्थ्य विभाग के लोग आए कभी? स्वास्थ्य विभाग के लोग पहले आए थे, ऐसा नहीं आया है। अच्छा। कभी टीम आती है तो बहुत ज्यादा लोग आते हैं। अच्छा। उनसे लोग भयभीत हो जाते हैं। अच्छा। धीरे धीरे आए। अच्छा। एक दो दो आदमी आकर के मोटिवेट करें जी, जिससे स्वास्थ्य वर्कर वगैरह आए जी, हम भी उनको सहयोग करेंगे, सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अच्छा। करते भी हैं सहयोग। बीच में खसरा टीकाकरण हुआ था। अच्छा। तो मौलवियों ने भी, धर्मगुरु ने भी, हमने भी, सबने सहयोग किया उनका, और वो लोग धीरे धीरे मोटिवेट हुए। एक सवाल है, लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कोरोना की बातें हो रही है, ऐसे में उन लोगों के लिए क्या बोलेंगे जो घासेड़ा के आसपास के गांव में हैं? मैं सबके लिए संयम से काम लें, हिम्मत से रखें, सबका सहयोग करें, आपस में ऐसे घबराने से कुछ काम नहीं होता, धीरे सारे सब चीज का समाधान है। सरकार आप गाँव की ताकत है, सरपंच गाँव की माँ की तरह होता है जी। जी सरपंच की तरफ से क्या काम अब तक गाँव के अंदर हुए हैं इस दुख की घड़ी में? इस दुखी घड़ी में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, लोग जहाँ भी मिलते हैं बैठते हैं। अच्छा। लोगों को समझाते हैं, अगर भी हिम्मत से काम लें, एक दूसरे को दूर सावधानी बरते हैं, सबसे बड़ी सावधानी है। अच्छा। इसी सब सावधानी बरते हैं, मास्क लगाएं, दूरी बना के रखें। अच्छा। और साफ सफाई रखें। ये जी हम कोई सरकार से भी मांग होगी, क्योंकि आप गाँव की ताकत हैं, गाँव की जिम्मेदारी, यही है कि जितनी भी हो सरकार मदद करे हमारी। तो देखिए, गांव घासेड़ा की जो तस्वीर थी, गांव घासेड़ा को लेकर के तमाम बातें हो रही थी, मौतें हो रही थी, उसको लेकर के हमने सीधे सरपंच से बात की, सरपंच से जानना चाहा कि आखिरकार सच क्या था। अशरफ जी ने अपनी बात रख दी कि आप पूरी सावधानी बरतें, स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें, और कोई यदि आता है तो वाकई उसका सपोर्ट करें, और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि ये अफवाह है, वो कहीं ना कहीं अफवाह। अभी सरपंच जी पीछे से भी कह रहे हैं कि अफवाह ज़्यादा है, तो कृपया अफवाहों पर ध्यान न देकर सच्चाई के आईने के साथ जिए और सच का साथ दें। उम्मीद नहीं, भरोसा है, बेबात का ऐतिहासिक गांव घासेड़ा लगातार जो दुख की घड़ी है वो दूर होगी, और निश्चित ही यहाँ खुशहाली बरपेगी।